पहले आपके साथ साझा करते हैं मेष वृष मिथुन का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आज ऑफिस का तनाव थोड़ा सा बढ़ सकता है। पिता और मित्रों का वैर विरोध बिल्कुल ना करें। महत्वपूर्ण कार्य करने में थोड़ा सा देरी हो सकती है। शुभ रंग है आपके लिए येलो यानी कि पीला। लकी नंबर है 7। आज पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करिए। वृषभ राशि, आज साझेदारी बचाने का प्रयास करिए वरना पार्टनरशिप साझेदारी टूट सकती है। रुका हुआ धन आपको नहीं मिल पाएगा। नए काम में पैसा बिल्कुल ना लगाएं। शुभ रंग है आपके लिए गेरुआ। लकी नंबर है 1। आज पीपल के पेड़ के नीचे एक घी का दीपक जरूर जलाइए। मिथुन राशि, प्रॉपर्टी में पैसा बहुत सोच समझकर किसी की सलाह से ही आप निवेश करिएगा। नई नौकरी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अपनों से संबंध आपके पहले से बेहतर हो जाएंगे। शुभ रंग है आपके लिए हरा। लकी नंबर है 8। आज शनिदेव के 108 नामों का जाप करिए। आइए मित्रों जान लेते हैं कर्क सिंह कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, चंद्र प्रधान राशि। अगर आपकी राशि कर्क है तो फेफड़ों के रोग से आपको बचाव करना होगा। नौकरी में तरक्की का योग बना हुआ है। परिवार में शांति बनाए रखने का हर संभव प्रयास करिए। शुभ रंग है आपके लिए कत्थई। लकी नंबर है 5। आज शक्कर मिश्रित जल अगर आप एक लोटा भरकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो पारिवारिक कलह कलेश खत्म हो जाएंगी। शक्कर मिश्रित जल शिवलिंग पर चढ़ाने से कहीं ना कहीं मन स्थिति पहले से मजबूत हो जाएगी। सिंह राशि, आज अचानक धन लाभ हो सकता है। पड़ोसी से आपको सहायता भी मिल सकती है। मानसिक तनाव हर तरीके से आज खत्म हो जाएगा। शुभ रंग है आपके लिए कत्थई। लकी नंबर है 6। आज पितरों के नाम से दान करिए। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है मित्रों आज। अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आज आपके पास सुनहरी अवसर है। ठीक अमावस्या से एक दिन पहले यानी कि आज आप पितरों के नाम से दान जरूर करिए। कन्या राशि, आज थोड़ा सा भी आलस्य करने से या लेजीनेस दिखाने से आपका कार्य बिगड़ेगा। संतान की सेहत की समस्या धीरे धीरे खत्म होगी। आज मेहमान आने का योग बना हुआ है। शुभ रंग है आपके लिए हरा। लकी नंबर है 3। आज भगवान शिव को सफेद चंदन अर्पित करिए। आइए अब जानते हैं तुला वृश्चिक धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, महत्वपूर्ण काम बनने में अभी थोड़ा सा समय और लग सकता है। मित्र से मतभेद खत्म होंगे। आजीविका में सफलता का प्रयास जरूर जारी रखिए। आप जरूर सफल होंगे, निश्चिंत रहिए। शुभ रंग है आपके लिए लाल। लकी नंबर है 5। आज ओम श्रीम नमः मंत्र का 108 बार जाप करिए। कहीं ना कहीं लाभ जरूर होगा। वृश्चिक राशि, व्यापार में परिवर्तन करने से आपको भारी नुकसान हो सकता है। सेहत में उतार चढ़ाव जरूर होगा। पैसा बहुत सोच समझकर खर्चिए वरना नुकसान में आ सकते हैं आप। शुभ रंग है आपके लिए लाल। लकी नंबर है 8। आज हनुमान मंदिर में तेल का दीपक जलाइए। धनु राशि, आज रिश्ते की बात कहीं ना कहीं तय हो सकती है। सेहत का ध्यान जरूर रखें, अच्छा रहेगा। रुके हुए धन की प्राप्ति भी आपको शाम तक जरूर होगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। लकी नंबर है 7। आज किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न और वस्त्र का दान करने से निश्चित तौर पर पारिवारिक कलह कलेश खत्म होंगे। आइए जान लेते हैं मकर कुंभ मीन का दैनिक राशिफल। मकर राशि शनि प्रधान राशि। घर परिवार की समस्या कहीं ना कहीं हल होगी। निवेश के कार्य आज ना करें। मित्रों की बात का मान रखें, उनका आदर करें। शुभ रंग है आपके लिए गेरुआ। लकी नंबर है 2। आज शनिवार का दिन है मित्रों। ओम शने नमः मंत्र का अगर 108 बार जाप करें, प्रदोष काल में जाप करें या फिर सूर्यास्त के बाद जाप करें, तो भाई ऐसा करने से वक्री शनि का
कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव जो आप पर हो रहा था वो बिल्कुल शांत हो जाएगा और शनिदेव की विशेष कृपा जरूर प्राप्त होगी। कुंभ राशि, मित्र की सलाह से आपको लाभ हो सकता है। शाम तक शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। परिवार में एकजुटता अवश्य आएगी। शुभ रंग है आपके लिए नीला। लकी नंबर है 4। आज शिवालय की चौखट पर अगर आप घी का दीपक जलाएं तो निश्चित तौर पर आपकी सेहत की समस्या, आपका मानसिक तनाव धीरे धीरे शांत हो जाएगा। मीन राशि, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन की संभावना आज बहुत ज्यादा बनी हुई है। विशेष तौर पर आज आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, वरना सेहत में गड़बड़ होगी, आप परेशान हो जाएंगे। मित्रों से वैचारिक मतभेद जो बहुत समय से चल रहा था आज खत्म हो जाएगा। शुभ रंग है आपके लिए मरून। लकी नंबर है 9। आज पीपल की जड़ में काले तिल और थोड़ा सा शक्कर अर्पित करिए। तो मित्रों, आज है शनिवार का दिन, एक छोटा सा महामंत्र आप ले लीजिए। ओम मंदाय नमः, इस महामंत्र का 108 बार जाप करने से शनि की 7.5 और शनि की ढैया का दुष्प्रभाव बिल्कुल नहीं होगा। तो मित्रों, राशि अनुसार भी जो छोटे छोटे महा उपाय आपके साथ साझा किए उनका आप अनुसरण करिए, भरपूर लाभ होगा। मित्रों, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तो जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।